कहा जा रहा है इस बार सीएम बदलते ही ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद से अब ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। ब्यूरोक्रेट्स के कामकाज और फाइलों के मूवमेंट में अब तेजी से बदलाव होना तय माना जा रहा है। राजस्थान में पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब भाजपा सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में अफसरों में अब हलचल तेज हो गई है। अब नई सरकार के गठन के बाद ब्यूरोक्रेसी में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकता है। राजस्थान में सरकार बदलते ही ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलने की पुरानी परंपरा रही है। आज हम आपको उन 5 आईएएस अफसरों के बारे में बताएंगे जिनमें से कोई एक प्रदेश का नया मुख्य सचिव बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं संजय मल्होत्रा के बारे में। संजय मल्होत्रा की सीनियरिटी कैडर में 7वें नंबर पर आती है। उन्हें राजस्थान के लगभग सभी विभागों सहित केंद्र में वित्त मंत्रालय में काम करने का अनुभव रहा है और साथ ही मल्होत्रा को फाइनेंस के मामलों में अनुभवी अफसरों में से गिना जाता है। संजय मल्होत्रा के बाद बात करते हैं सुधांश पंत के बारे में। सुधांश पंत राजस्थान के कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं और उन्हें देश भर के काबिल अफसरों में से गिना जाता है। बता दें सुधांश पंत जहाजरानी मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत है। रोहित कुमार की सीनियरिटी राजस्थान में 3रे नंबर पर आती है। बता दें रोहित कुमार की भाजपा के राजनीतिक नेतृत्व में अच्छी खासी पेट मानी जाती है। इस दौरान राजस्थान में उनकी सीएस बनने की चर्चाएं काफी चल रही है। रोहित कुमार इन दिनों दिल्ली में उपभोक्ता मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत है। श्रीनिवास की सीनियरिटी राजस्थान कैडर में 3रे नंबर पर आती है। वो मोदी के प्रशासनिक मंत्रालय में सुधार विभाग में तैनात है। फिलहाल अभी दिल्ली में काम कर रहे हैं। बता दें 6 महीनों पहले भी उनका नाम चर्चा में आया था जब मुख्य सचिव के पद से उषा शर्मा रिटायर होने वाली थी। तन्मय कुमार वसुंधरा राजे की सरकार में सबसे ताकतवर आईएएस अफसरों में से एक थे और वसुंधरा राजे के प्रमुख सचिव थे। पूर्व मुख्यमंत्री राजे के साथ काम करने से भाजपा के राजनीतिक नेतृत्व में उनके काफी अच्छे संपर्क रहे हैं। ऐसे में वो भी मुख्य सचिव के रूप में राजस्थान लौट सकते हैं। तो ये थे राजस्थान के 5 सीनियर आईएएस ऑफिसर जिनके बारे में हमने आपको बताया। बता दें इन 5 सीनियर आईएएस ऑफिसर के कामकाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम काफी समय से देख रही है। अब देखने लायक ये होगा कि इन 5 ऑफिसर्स में से कौन प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।